Welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. Okay students, today we are studying Moral Values of Class 8th. Chapter number is 3 and the name of the chapter is Forgiving. It means maaf kar dena ya chhama kar dena. Moral: we should always forgive others, then only God will forgive us. Hame hamesha dusron ko maaf kar dena chahiye, tabhi Bhagwan bhi hame maaf karenge. Call to mind, here are some questions. What do you mean by forgiveness? माफ कर देने से आप क्या समझते हैं? Are there any sin committed against you which you don't have to forgive? क्या आपके खिलाफ कोई ऐसा अपराध किया गया है जो कि आप बिल्कुल माफ नहीं कर सकते? Do you condemn your sin? क्या आप अपने अपराध की निंदा खुद कर सकते हैं? Do you forgive if a person continue to hurt you? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जो कि आपको लगातार परेशान करता है? टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन वी हैव टू रीड द चैप्टर. ओके, द चैप्टर बिगिन्स. वन ऑफ द वेरी स्पेशल प्रोमिस इन बाइबल इज दैट वैन गॉड फॉरगिव्स ही ऑल्सो फॉरगेट्स. बाइबल में सबसे बड़े वादे जो किया गया है भगवान के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है कि जब भगवान माफ करते हैं तो भगवान उसके अपराधों को भुला भी देते हैं. In Hebrews, God says of the new covenant, "For I will be merciful towards their iniquities, and I shall remember their sins no more." Hebrews, जो प्राचीन लोग हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि भगवान ने अपने एक नए वाचा में ये बताया है कि जब मैं किसी पर दया करता हूँ या किसी को माफ करता हूँ तो मैं उसके अपराधों को आगे याद नहीं रखता. Now in the matter of forgiving and forgetting, God is example just as He is our Father. और अब इस भुला देने में और माफ करने का जो ये मामला है, इसमें भगवान एक उदाहरण के रूप में है और भगवान हमारे पिता समान है. Our forgiving to others is not optional. हमारे द्वारा किसी दूसरे को माफ कर देना optional नहीं है. It is the matter of our salvation. यह तो हमारे दासता का एक कारण है. We cannot hope to go to heaven if we are going to nurse a grudge against someone else. और हमें स्वर्ग में जाने का भी अधिकार नहीं है यदि हम किसी को माफ कर नहीं कर सकते तो. We are good about remembering to ask God in the prayer to forgive our debts, but we are not good at all about adding the tag face. हम बहुत अच्छे हैं यदि हम भगवान को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, अपने कर्ज को माफ कर देने के लिए उनसे प्रेयर करते हैं. बट वी आर नॉट गुड एट ऑल अबाउट एडिंग द टैग फेस. लेकिन यदि हम स्वयं ऐसा नहीं करते तो यह अच्छा नहीं है. वी शुड ऑल्सो फॉर गिव अवर डेप्टर्स. हमें भी अपने द्वारा अपने जो कर्जदार हैं उनको हमें भी माफ कर देना चाहिए. In Bible, Jesus told a parable about a servant who was forgiven by his master for a debt that would have taken him 2 lakh years of wages to repay. Bible में Jesus के द्वारा एक छोटी सी कहानी बताई गई है जो कि एक नौकर के बारे में है जिसको उसका मालिक माफ कर देता है एक कर्ज के लिए. That would have taken him 2 lakh years of wages to repay, जो कि उसके बारे में था कि उसको 2 साल पहले से कि उसकी सैलरी चुकानी थी. ही देन टर्न अराउंड एंड रिफ्यूज. तब वह मुड़ा और उसने मना कर दिया टू फॉरगिव अ डेब्ट, उस कर्जे को माफ कर देने के लिए, ऑफ हिज फेलो सर्वेंट, अपने उस नौकर साथी के. कर्जे को बाद में तो पहले कह देता है, बाद में मना कर देता है. डेट वुड हैव टेकन ओनली 4 months ऑफ वेक्स टू रिपे. और वह कहता है कि अब तो केवल 4 महीने की ही सैलरी मुझे देनी है या वेतन चुकाना है. Therefore, इसलिए Jesus concludes, Jesus अंत में कहते हैं, so also my heavenly father, और इसलिए मेरे जो heavenly पिता हैं, जो मेरे स्वर्ग father हैं, will do every one of you, वो आप सबके साथ इस तरह से करेंगे. यदि आप भी ऐसा करेंगे तो मेरे जो heavenly father हैं, जो मेरे स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता हैं, if you do not forgive your brother from your heart, यदि आप अपने किसी भाई को अपने दिल से माफ नहीं करते तो भगवान भी फिर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं. When we truly forgive someone, जब हम किसी को दिल से माफ कर देते हैं, we will forget about all the wrong done by us. तो हम
उसके द्वारा या अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बारे में भुला भी देते हैं। मैनी ऑफ अस कैन थिंक ऑफ समवन हु हैज हर्ट अस, बहुत सारे हम में से ऐसे होंगे जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया होगा बैडली, बहुत बुरी तरह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है। हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी फॉर अस टू फॉरगिव दैट पर्सन, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति को माफ कर देना। इवन इफ वी अवॉइड सीकिंग रिवेंज वी मे हैव ऑन अ ग्रज, और यहां तक कि हम उससे बदला लेना चाहते हैं फिर भी हम अपने जो अपराध हैं उसको, जो उसके द्वारा किए गए अपराधों को, उनको क्षमा करने की हिम्मत रखें। अवर सोसाइटी डजंट एनकरेज फॉरगिवनेस, हमारा समाज हमें उत्साहित नहीं करता माफ कर देने के लिए, लेकिन फिर भी ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। द मोस्ट बेसिक रीजन फॉर अवर अनविलिंगनेस टू फॉरगिव अदर लाइज इन द फैक्ट दैट फॉरगिवनेस सीम्स अनफेयर टू द फॉरगिवर्स, और सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिक आधारभूत जो तथ्य है, जो कारण है हमारी अनिच्छा का, जो कि हम हमारे अंदर जो अनिच्छा रहती है कि हम किसी व्यक्ति को माफ ना करें, अदर लाइज इन द फैक्ट, वो इस तथ्य में पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, दैट फॉर गिविंग सीम्स, कि माफ कर देने वाला जो गुण है वो ऐसा दिखाई देता है अनफेयर, हमें अच्छा नहीं लगता है टू द फॉर गिवर, किसी भी माफ कर देने वाले को माफ कर देने का गुण अच्छा नहीं लगता। ये एक बहुत ही आधारभूत तथ्य है और कारण है, क्योंकि समाज भी उसको उत्साहित नहीं करता है। ओके, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।